अच्छे स्वास्थ्य का एक प्रमुख पहलू है संतुलन बनाए रखना, और इस संतुलन का एक हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्ष के कुछ निश्चित समय में क्या खाते हैं। मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूट्री मंत्रा के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमें क्या खाना चाहिए जिससे हम तंदुरुस्त रहें। गर्मी के महीनों में ठंडे खाद्य पदार्थों के सेवन पर ध्यान देना चाहिए। गर्मियों में उच्च वसा यानी कि हाई फैट वाली चीज़ें सीमित मात्रा में खानी चाहिए, जबकि हाई वाटर कंटेंट वाले खाने जैसे कि सलाद, सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज आदर्श हैं। इसके साथ ही साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि खाना ताज़ा बना हुआ हो। हाई वाटर कंटेंट और ऐसे फल जिनकी तासीर ठंडी है उनके कुछ उदाहरण हैं सेब, जामुन, स्ट्रॉबेरी, चेरी, नाशपाती, आलू बुखारा, सिंघाड़ा, खरबूजा, ककड़ी आदि। अन्य खाद्य पदार्थ जो ठंडे गुणों के लिए जाने जाते हैं वे हैं गेहूं, जौ, जवी, चिकन, अधिकांश मछलियां, बैंगन, चुकंदर, प्याज, नींबू, मशरूम, पालक, टमाटर, सोयाबीन और मूंग। ये खाद्य पदार्थ विशेष रूप से ठंडे होते हैं। कई ऐसे अन्य खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें साल भर खाया जा सकता है। फलों को नेचुरल थर्स्ट क्वेंचर यानी कि प्राकृतिक प्यास बुझाने वाला माना जाता है। प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक्स, इनके सेवन से केवल प्यास बढ़ती है, तो इनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों को लेने के साथ साथ हमें गर्मियों में खुद को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी के अलावा हमें ऐसे फ्लूइड्स जो कि खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड की भरपाई कर सकते हैं उन्हें भी लेना चाहिए, विशेष रूप से किसी भी हैवी फिजिकल एक्टिविटी के बाद। कैफीन युक्त पेय का सेवन सीमित करना चाहिए क्योंकि वे हमारे शरीर से आवश्यक जल भंडार को छीन लेते हैं। सिर्फ इसलिए कि पेय ठंडा है और हमारी प्यास बुझा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमारे शरीर को भी ठंडक देगा। ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स का डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब या वीक करने में सबसे बड़ा योगदान है। इसके सेवन के बाद गैस, सूजन, सुस्ती हो सकती है। कमरे के तापमान या रूम टेम्परेचर पर रखे तरल पदार्थ ही वास्तव में हमारे शरीर द्वारा बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ पौष्टिक प्यास बुझाने वाले फ्लूइड्स जिन्हें गर्मी के महीनों के दौरान हमारे आहार में शामिल किया जा सकता है वे हैं जलजीरा, आम पन्ना, नींबू पानी, चने का सत्तू, फालसे का शरबत, बेल का शरबत इत्यादि। ये सब न केवल आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक देंगे बल्कि आपको आवश्यक न्यूट्रिएंट्स भी प्रदान करेंगे। अपने भोजन और पेय का आनंद लें, लेकिन मौजूदा मौसम के अनुसार अपने भोजन का चयन करते समय सावधानी बरतें। आशा करती हूँ आपको न्यूट्री मंत्रा का यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।